महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक दिन सन 1972 में महापारायण के लगभग एक वर्ष पूर्व बाबा जी एकाएक श्री के शाह से पूछने लगे कि हमें किस जगह पर शरीर छोड़ना चाहिए। बाबा जी के मुंह से ऐसी अरुचिकर वार्ता सुनकर के साहा घबराने लगे। सन 1972 के अंत में या जनवरी सन 1973 के आरंभ में आगरा में बड़ी सर्दी पड़ रही थी। महाराज जी ठाकुर महावीर सिंह जी के घर में कमल ओढ़े बैठे थे। आपने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। नौकर पानी और लोटा लाकर रख गया। बाबा जी ने तुरंत स्नान किया। ठाकुर साहब के पुत्र श्री कर्णवीर सिंह उनके बदलने के लिए धोती ले आए। बाबा जी का बदन गीला था पर धोती सूखी थी। कर्णवीर सिंह बोले, बाबा जी अभी तक नहाया नहीं है। बाबा जी बोले, नहा तो लिया है, धोती तो गीली नहीं है, कहाँ नहाए हैं आप, यही तो तारीफ है। कर्णवीर सिंह जी ने धोती बदलने का अनुरोध किया पर आप माने नहीं और बोले, आज नहीं बदलता हूँ। फिर कुछ अनमने और खोए हुए से बोले, पता नहीं कब आना हो, दूर जा रहा हूँ। यह इस परिवार को बाबा जी के अंतिम दर्शन थे। दिल्ली के एक वैद्य जी जो महाराज जी को जानते नहीं थे और उनके द्वारा भेजे गए अनेक मरीजों का इलाज कर चुके थे, श्री आर एस यादव बीडीओ दिल्ली के सुझाव से उनके दर्शनार्थ कैंची चले आए। वैद्य जी के साथ दो व्यक्ति और थे। बाबा जी ने तीनों को एक एक पेटी सेव की प्रसाद में देते हुए विदा किया। वैद्य जी ने कुछ दिन आश्रम में रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। बाबा जी ने उस दिन उन्हें नैनीताल में निवास कर दूसरे दिन प्रातःकाल सीधे दिल्ली वापस जाने का आदेश दिया। जब वे चलने को उद्यत हुए, बाबा जी बोल उठे, अब तू मुझे कभी नहीं देख पाएगा। वैद्य जी को भ्रांति हुई। उन्होंने इन वार्ताओं का आशय अपने ऊपर घटित किया और दिल्ली आकर वे अपने समस्त लेन देन के कार्यों को पूरा करने लगे। वे समय पर तीर्थ यात्राएं भी कर आए और अंतिम दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। एकाएक उन्हें बाबा जी के निधन की सूचना मिली। वे चकरा उठे और रोने लगे और तभी उनकी वार्ता का सही अर्थ समझ पाए। कैची के पूर्णानंद तिवारी जी के भविष्य के हित को देखते हुए बाबा जी ने अपनी महासमाधि के दो महापूर उत्तर प्रदेश परिवहन के एक अधिकारी से कहकर उनकी बदली 8 किलोमीटर दूर भवाली स्टेशन में करवा दी। इस घटना का उल्लेख हो चुका है। तिवारी जी बदली नहीं चाहते थे। यह जानकर कि यह बदली बाबा जी के आदेशों से हुई, वे अत्यंत दुखी थे। बाबा जी ने उन्हें अपने पास बुलवाया और बोले, बदली तेरी नहीं, हमारी हुई है।
अब हम अमरकंटक चले जाएंगे और तू हमसे कभी नहीं मिल पाएगा। उस समय आपने मुस्कुराते हुए यह शेर सुनाया, छोड़कर इस कोट किले को बदली हो गई और चिले को, आया है एक तार जरूरी, उसने कर दी है मजबूरी। तिवारी जी बाबा जी के बाड़ी के रहस्य को 2 महीने बाद उनके महापारायण पर ही समझ पाए थे। सब प्रेम से करते हुए भी बाबा जी सदा निर्लिप्त रहे, पर इन दिनों उनका लगाव लोगों के प्रति अत्यधिक प्रतीत होने लगा। अब वे किसी से दरबार से जाने को नहीं कहते थे, लोग स्वयं आपसे अनुमति प्राप्त कर स्वयं चले जाया करते थे। अगस्त 1973 के अंतिम सप्ताह में कैची गया हुआ था और मुझे 1 सितंबर को अलाहाबाद लौटकर आना था। बाबा जी सब कुछ जानते होते उनसे कभी कुछ कहने की आवश्यकता होती ही नहीं थी। जब मेरे पास एक ही दिन शेष रह गया और मुझे नैनीताल भी जाना था तो मुझे लाचार होकर उनसे अनुमति मांगनी पड़ी। बाबा जी बड़ी प्यार भरी दृष्टि और भावपूर्ण आग्रह से बोले, अब कब आएगा? मैं आपके इस अपनत्व में बह गया और बिना कुछ सोचे समझे बोल उठा, बाबा जी अब आपकी आज्ञा होगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो, बाबा जी महाराज की जय बोलो, जय श्री राम बोलो।